स्टार्ट करते हैं इन सारे मेन्यू के बारे में. क्या है ये इन सारे मेन्यू का मतलब? तो वर्ड में जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट थिंग था, जो मेन्यू हमें दी हुई है इनके बारे में लिस्ट में देखते हैं कौन कौन से मेन्यू के नाम हैं. तो इसे एक साइड पे रखते हैं और एक वर्ड प्रोसेसर भी सामने ओपन कर लेते हैं. ये है हमारा वर्ड प्रोसेसर. तो यहाँ से मैं वन बाय वन मैच करा रहा हूँ. तो ये जो आप फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, तो ये जो हैं ये 9 मेन्यू हैं. हेल्प को छोड़ देते हैं क्योंकि हेल्प जो है बहुत ही कॉमन होता है, सभी एप्लीकेशन में होता है, तो हेल्प को कंसिडर नहीं करते. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यही सेम 9 मैंने यहाँ लिखवाए हैं. फर्स्ट में फाइल है, सेकंड में होम है, थर्ड में इंसर्ट है, फोर्थ में डिजाइन है, फिफ्थ में लेआउट, सिक्स में रेफरेंस, सेवन्थ में मेलिंग, एट में रिव्यू, नाइन में व्यू. तो इन्हें बोलते हैं मेन्यू बार में 9 मेन्यू हैं हमारे पास. तो यहाँ पे 9 मेन्यू है इसलिए इसे बार बार मेन्यू बार बोलते हैं. बार का मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक गिरी हुई लाइन कह सकते हैं, जो मतलब अपने ज़मीन से पैरेलल लाइन को बार कहते हैं. तो ये भी एक बार है, मेन्यू बार है. तो इस मेन्यू बार में 9 मेन्यू हम देख पा रहे हैं: फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू. ठीक है, तो इसी में मैंने ये लिखवाया है कि फाइल के अंदर क्या क्या है. तो फर्स्ट में देखते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं. फाइल के अंदर हमने लिखवाया था न्यू है वहाँ पे, ओपन है वहाँ पे, सेव है वहाँ पे, प्रिंट है वहाँ पे. तो ये जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने लिखवाया है: न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट. तो फिर बाकी देखते हैं. फिर है होम पे. होम पे हमारे पास क्या है? क्लिपबोर्ड है, पैराग्राफ है, फॉन्ट है. होम पे आप देखेंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा है, क्लिपबोर्ड, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड ये फॉन्ट लिखा है. ठीक है, अब विद इन दिस क्या क्या है, मतलब क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या है? तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर मैंने क्या लिखवाया था? कट, कॉपी, पेस्ट. तो क्लिपबोर्ड के अंदर आप देखें क्या है, ये पेस्ट लिखा है, ये सीजर बना है, कैंची बना है, ये कट है और ये पेस्ट है. ठीक है, ये माउस पॉइंटर ज़्यादा बड़ा है, इसे छोटा करते हैं. ठीक है, तो हाँ, क्लिपबोर्ड के अंदर ये पेस्ट है, ये सीजर के सामने ले जाएंगे तो यहाँ पे कट लिखा आ रहा है और उसके नीचे कॉपी लिखा आ रहा है. तो क्लिपबोर्ड में क्या क्या आते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट. आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूँ कि क्लिपबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. ठीक है, ये है मेन्यू, ये कैटेगरी और ये इसे कमांड या ऑप्शन कह सकते हैं. तो क्लिपबोर्ड में कौन कौन से कमांड हैं? कट, कॉपी, पेस्ट. ठीक है, अब क्लिपबोर्ड कौन से मेन्यू में आता है? क्लिपबोर्ड आता है होम मेन्यू में, होम के अंदर क्लिपबोर्ड है ना, इसलिए. ठीक है, अब है नेक्स्ट पैराग्राफ. तो होम के अंदर हम पैराग्राफ में गए, होम, उसके अंदर पैराग्राफ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ये देखते हैं. होम है यहाँ पे, उसके अंदर पैराग्राफ लिखा है. पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ लिखवाई थी मैंने? अलाइनमेंट्स. यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाला अलाइन, लाइन लेफ्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट सेम थिंग है. नेक्स्ट है सेंटर अलाइनमेंट, नेक्स्ट है राइट अलाइनमेंट और उसके बाद जस्टिफाई. हम ये सारे ऑप्शंस को समझाएंगे एक बार, पहले देख लेते हैं कि इन सब जो टेबल बनाने का क्या मतलब है. नेक्स्ट है होम के अंदर फॉन्ट, यही होम पे हमने क्लिक किया हुआ है. होम के अंदर फॉन्ट पे गए, फॉन्ट में क्या है? बोल्ड, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन. ठीक है, उसके बाद फॉन्ट टाइप है, ये हो गया फॉन्ट टाइप एंड ये है फॉन्ट साइज, इसे आप फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, साइज बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद नंबर 3 इंसर्ट. तो हम जाते हैं ऊपर, देखेंगे इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट पे क्लिक किया. ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया, अब इंसर्ट में क्या है? इलस्ट्रेशन है, टेबल है. ठीक है, तो इंसर्ट में गए और इलस्ट्रेशन है. ठीक है, तो इलस्ट्रेशन में क्या क्या हमने देखा? पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट. तो इलस्ट्रेशन में हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इतने सारे हैं, कोई सा शेप्स लगा सकते हैं,
स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है। ओके, तो इन सब, ये रहा स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, ये है आपके पास चार्ट है, स्मार्ट आर्ट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्मार्ट आर्ट यहाँ पे है, एंड इंसर्ट के अंदर ही टेबल है। टेबल में सिंपल आप जितनी बड़ी टेबल बनाना चाहें, ये देखो नीचे नीचे साथ ही साथ बनता भी जा रहा है, जो भी आप चूज करेंगे उतने साइज का टेबल बन जाएगा। डिजाइन, नेक्स्ट मेन्यू डिजाइन में यहाँ पे लिखा है, डिजाइन पे जा रहे हैं। डिजाइन पे क्या बताया मैंने, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड, ये रहा पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड के अंदर क्या है, वाटर मार्क है, वाटर मार्क, तो यहाँ वाटर मार्क पे जाके ये वाटर मार्क कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेज कलर, पेज कलर कुछ भी आ जाएगा, जो मर्जी आप यहाँ पर पेज कलर चूज करेंगे। पेज बॉर्डर, जैसे ये पहले से मैंने एक पेज बॉर्डर बनाया हुआ है, पेज बॉर्डर भी आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेआउट, लेआउट में क्या है, पेज सेटअप है। पेज सेटअप में आप ये जब पेज प्रिंट करते हैं, तो आप ये जो राइट और लेफ्ट और टॉप और बॉटम पेज में कितना स्पेस छोड़ना है प्रिंट के लिए, वो यहाँ से सेट करते हैं, मार्जिन बोलते हैं उसे। राइट लेफ्ट टॉप बॉटम जो स्पेस छोड़ते हैं वही मार्जिन है। एंड ओरिएंटेशन लिखवाया मैंने, ओरिएंटेशन आपने देखा होगा कि कई बार हम पेज को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और कई बार उसको रोटेट कर लेते हैं, तो वो लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। ये लैंडस्केप हो गया, जब पेज को हम अपनी कॉपी को जब फोल्ड मोड़ के लिखते हैं वो लैंडस्केप हो गया, और सीधी लिखते हैं वो पोर्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट है साइज, साइज आपने सुना होगा A3 A4, A3 सुना होगा, A4 सुना होगा, लेटर सुना होगा, तो ये सारे पेज के टाइप आप कौन से पेज प्रिंटर में लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग साइज चूज करना होता है। उसके बाद है कॉलम, कॉलम हम क्या करते हैं, कई बार जो न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में दो, एक ही पेज में दो पार्ट में लिखा होता है, तो वो चू उससे कॉलम में करते हैं, ठीक है। ये सब फिर से बताएंगे अभी। नेक्स्ट है रेफरेंस, रेफरेंस में ऐसा आपके बुक के इंडेक्स होते हैं, बुक के इंडेक्स को अगर बनाना हो तो हम रेफरेंस यूज, रेफरेंस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट यूज करेंगे, जो आपको बुक के इंडेक्स या कॉपी के इंडेक्स बनाने में हेल्प करता है। मेलिंग में जैसे आपने एनवेलप देखा होगा, एनवेलप में ऊपर लिखा होता है कि एड्रेस और नेम वगैरह किस तरह से प्रिंट होना है, ये है। रिव्यू में क्या क्या है, प्रूफिंग है, प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ठीक है। एंड फिर जूम में, व्यू में जाएंगे जूम के लिए, और जूम आपने देखा होगा यहाँ से जूम कर सकते हैं, कितने आपको जो दिखाई दे रहा है वो कितने जूम करके दिखना चाहिए।